क्या लुक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में थोड़ा लेट हुआ है वीडियो बनाने में, और बाकी मैं दिन में शूट करके मैंने शूट नहीं किया, दोपहर में भी शूट नहीं किया। ये शूट का टाइम है, एग्जैक्टली टाइम है शाम को। असल बात यह है कि यूनिक बात यह है कि मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में। और ये जो है आपको दिखाऊंगा कि आज का मस्जिद जो हम लोग इधर रहते हैं बर्धमान स्टेशन के पास ही एक बड़ी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा सामने यही बर्धमान स्टेशन के पास एक नया ब्रिज बना है, और पास में ही बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, और इसके पास में एक बड़ी मस्जिद है जहाँ से मैं आपको लोकेशन के हिसाब से दिखाऊंगा। और इसका दिखाने का यहाँ से स्टेशन के पास से मस्जिद की दूरियाँ बहुत ही कम है, यहाँ से एग्जैक्टली टाइम बस थोड़ी दूरी है। मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि इस समय भी तो नज़र नहीं आएगा, पर थोड़ी देर के बाद, एक घंटा के बाद मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ का लुक दिखाऊंगा, वहाँ का जो भी शो है अच्छा दिख कैसा लगता है आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप देखें वहाँ से कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ से कुछ आगे की ओर दिखाऊँगा, यहाँ का पार्क, यहाँ का ये ब्रिज, ये सभी दिखाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था, तो आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स, और मैं जहाँ तक का बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ा आएगा भाई साहब। जब मैं कल देखा था वहाँ का लुक इतना मस्त था क्या बताऊँ, इतना मस्त था। तो फ्रेंड्स, कल मैं एग्जैक्टली मैं आपको दिखा नहीं पाया, आज मैं अभी थोड़ा शाम होने दो, जब जाके मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद का लुक, और प्लस यहाँ का वर्धमान मेन मार्केट है यहाँ पे, थोड़ा सा मार्केट का सीन दिखाऊंगा और यहाँ का ब्रिज दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ की बात करो तो वर्धमान स्टेशन में लोकल ट्रेन सुविधा इतनी अच्छी है कि हर 15 मिनट 10 मिनट बाद आपको यहाँ से आपको लोकल ट्रेन उपलब्ध होगा। और वहाँ से मैं थोड़ा सा लुक दिखाऊँगा वी मार्ट का, वहाँ भी मार्केट कैसा है, मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाद बाकी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि मैं रोज़ाना की तरह मैं फिर आज मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने आया हूँ, और सोचा थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए वीडियो शूट करूँ, और बात करता हूँ मैं अभी वीडियो बनाने की। तो वक्त तो वैसे मेरे पास एक जरा भी नहीं रहता, पर फिर भी मैं जहाँ तक होता है वक्त निकाल कर थोड़ा सा वक्त काट के मैं वीडियो शूट करके आप लोग के सामने रखता हूँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे इस ब्लॉग को कमियाँ तो बहुत होगी क्योंकि मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूँ ना, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा और थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे बोलने की थोड़ी सी एक्टिविटी नहीं है, कैमरे के सामने थोड़ा सा शर्म लगने लगती है। फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड, मैं अभी वर्धमान ब्रिज पे हूँ। ये पुराना ब्रिज है, बहुत ही पुराना ब्रिज है, और ये ब्रिज डैमेज होने के बाद से इस ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया है। इस सामने रास्ते से देखिए आगे ब्लॉक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था ये पुराने ब्रिज का, जो अभी पूरा झरझर हो चुका है, और ये ब्रिज बहुत दिन, लगभग 2 साल हो रहा है बंद हुआ हुआ। इधर से गाड़ी, बस, ट्रक्स, बाइक्स, स्कूटी सब चलता था, किंतु अभी सब ये सामने ये वाला पुराना ब्रिज बंद हो चुका है, और यहाँ से सिर्फ पैदल 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 ही लोग चलते हैं, और इसलिए ये ज़्यादा भीड़ रहता है इस पुल पे, क्योंकि यहाँ से सब्जी बाज़ार, मार्केट और बिग बाज़ार, जितने भी मार्केट हैं यहाँ से बहुत ही शॉर्ट पड़ता है और नज़दीक पड़ता है। Way. Don't feel like it could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? तो भैया बात कर रहे थे इस पुराने ब्रिज के बारे में। तो यहाँ पे इस ब्रिज पे इसलिए ज़्यादा भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ से मार्केट जाना बहुत ही शॉर्ट पड़ता है, इसलिए। और मैं भी फ़िलहाल यहाँ हूँ, और यहाँ पे आस्ते आस्ते ऐसा हुआ कि पूरा मार्केट बन गया है। ये सीन देखिए आप, वक्त आ चुका है अब मस्जिद दिखाने की। एक छोटा सा झलक देख लीजिए,
मैं सामने जाके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्रिज की ओर से मैं जाता हूँ। ये सामने नया ब्रिज बना है, ये उसी का सीन है। बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं इस टाइप का अभी आपको इतना अच्छा लगेगा देखने में भी ये ब्रिज, कुछ कहने का नहीं। ये नया ब्रिज बना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे की ओर। वैसे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ और एक हाथ से मेरा फ़ोन रखा हुआ है। ट्राइपॉड तो अभी मेरे पास है नहीं, पर मैं अपने फ़ोन से ही हाथ में रख के शूट कर रहा हूँ वीडियो को। ये रहा सामने बस स्टैंड, ये ब्रिज है सामने। और ये सीधा जो जाता है ये सामने, ये रास्ता नवाहाट की तरफ जाता है और यहाँ पे सभी तरह के बस रुकती है। बहुत ही फेमस जगह है फ्रेंड। और ये बाकी मैं उसी की ओर जाऊँगा, ये सामने इधर टाइप का, इस साइड में ये मस्जिद पड़ता है। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। फ्रेंड मैं जिस मस्जिद की बात कर रहा था वो मस्जिद ये है, खूबसूरत मस्जिद। और अभी तो मैं फ़िलहाल अभी घर जा रहा हूँ, मैं उधर से लौट के आता हूँ तो फिर मैं आपको पीछे का लोकेशन और अभी सामने का लोकेशन सब दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स अभी इस गली से मैं घर जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बस।